इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा का आज दूसरा दिन, आज सुबह से ही रघुनाथ पूजन हो रहे हैं और इस शुभ अवसर पर राजा महेश्वर सिंह जी से कुछ खास बात। पद्धति है जिसको आपने अभी अभी देखा, ये हमारे पूर्वज राजा जगत सिंह के समय जो दामोदर गोसाई थे उन्होंने अयोध्या से हाथ हस्तलिखित लाई थी और ये हमारे परिवार के लिए और इस कुल्लू के लिए गर्व का विषय है कि कुल्लू में तो ये पद्धति है लेकिन आज राम जन्मभूमि में जहाँ रामलला का मंदिर है वहाँ ये पद्धति नहीं है। केवल अभी आधुनिक मंत्रों से वो काम चलाते हैं, यह ऐसा मैंने देखा है। और जब मैं जाता हूँ अयोध्या तो जो रघुनाथ जी का त्रेतानाग ठाकुर का पुराना मंदिर है वहाँ मैं इस पुस्तिका को लेकर जाता हूँ और रघुनाथ के मंदिर में वहाँ पर जो त्रेतानाग ठाकुर का मंदिर है उसमें मैं पूजा इस पद्धति से करता हूँ। और अब इस पद्धति को बहुत मांग रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर अयोध्या वाले कहेंगे तो हम ये राम मंदिर के लिए भी देंगे। सर आज जो है किस तरह से विधिवत हार श्रृंगार किया गया है, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई है? ये तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये प्राचीन पद्धति है। आप देखते हैं कि अंगुष्ठ मात्र यहाँ की मूर्तियाँ हैं और जब हम श्रृंगार करते हैं और जब इनको सिंहासन पर बिराजते हैं कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि ये मूर्तियाँ केवल अंगुष्ठ मात्र, बहुत बड़ी नजर आती है। यही इन भगवान का गुण है, ये वो दिव्य मूर्ति हैं जिनके माध्यम से अश्वमेध यज्ञ हुआ था, इसीलिए यज्ञ मुद्रा में कमलासन पर ये मूर्ति है। ऐसी मूर्ति और कहीं। सर इस बार के दशहरा उत्सव की बात करें तो किस तरह से देखते हैं कि लोग जो है पिछले साल दशहरा उत्सव में देवी देवता नहीं आ पाए थे लेकिन इस बार जो है पूरे सभी देवी देवता आए हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है सर? ये एक प्रसन्नता का विषय है कि इस बार ये तो कह दिया गया है कि नजराना नहीं मिलेगा, इसके बावजूद क्योंकि पिछले साल दशहरा नहीं हो पाया जैसे होता था तो देवता केवल जो आए हैं वो रघुनाथ के दर्शनार्थ आए हैं और सबने कुल्लू पार मंदिर में पहुंचने की भी कोशिश की और इतने देवता यहाँ पर पहले दिन रघुनाथ जी को शीश निभाने यहाँ कैंप में नहीं आते थे, कल देवताओं का ही तांता लगा रहा, जो श्रद्धालु थे वो कुछ बच गए, उनको टाइम ही नहीं मिला शाम तक, सारे देवता ने यहाँ शीश निभाया। ये हमारे लिए ऐसा लगा मुझे कि जैसे मेरे दादा परदादा के टाइम का विजयदशमी का उत्सव होता था वैसा है। अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ देवताओं की रौनक, एक देवता दूसरे देवता से मिलने जा रहा है, कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, खुले रास्ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सर कितने सालों के बाद आपको लगता है कि कितने सालों के बाद ये दशहरा हो रहा है जब इस तरह की धार्मिक गतिविधियां सिर्फ हो रही है? अगर मुझे ठीक याद है तो ये 1900 जब देवताओं के पास शासन गुजारे थे जो राजाओं के दिए हुए वो उनके पास रहे, जब से लेकर देवताओं की जो माफिया हैं वो जब्त हो गई, टेनेंट्स मालिक बन गए, उसके बाद लगभग देवता बड़े देवताओं का आना बंद हो गया था क्योंकि खर्चा सहन नहीं कर सकते। लेकिन आज क्योंकि कुल्लू साधन संपन्न हो गया, अब लोगों पे श्रद्धा भी बढ़ी है और लोगों ने ही देवते के पास पैसा देकर इकट्ठा करके भेंट चढ़ा के इतने सक्षम कर दिए देवताओं को कि वो एक आध दशहरे में इस प्रकार से अपने खर्चे से आए। सर कल की अगर बात करूं तो कल पुस्तिका का रखा है, किस तरह से कितने बजे ये होगा? क्या सुबह 10 से 11 बजे तो रघुनाथ जी की पूजा हो जानी चाहिए और 11:30 बजे से लेकर वो कार्रवाई शुरू होगी और ये कार्रवाई 3 बजे 2:30 बजे तक चलेगी, उसके बाद जलेब। ठीक सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।